न्यू मोटर व्हीकल एक्ट देश भर में लागू हो चुका है और इसके साथ ही इसके भारी जुर्माने की खबरें मीडिया की सुर्खियां भी बनने लगी है। भारी भरकम जुर्माने के 5 मामले अब तक दिल्ली NCR से सामने आ चुके हैं। इसकी शुरुआत गुड़गांव में एक स्कूटी का 23,000 रुपए के चालान कटने से हुआ है। इन खबरों ने जहां कुछ वाहन चालकों की धड़कनें बढ़ा दी है, वहीं अब भी बहुत से वाहन चालक यातायात नियमों को धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। घर से बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए अगर आप ऑफिस पहुंच गए हैं और रास्ते में किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा तो खुश ना हो। हो सकता है नए मोटर वाहन अधिनियम के भारी जुर्माने के साथ चालान आपके घर पहुंचने वाला हो। 1 सितंबर से नया MV एक्ट देश के ज्यादा राज्यों में लागू हो चुका है। इसके लागू होते ही पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर भारी जुर्माने के साथ चालान भी शुरू कर दिए हैं। इसके बदौलत आप कहीं भी और किसी भी वक्त यातायात नियम का उल्लंघन करें, आपका चालान कट सकता है और आपके घर पहुँच सकता है। पुलिस ने बदला चालान का तरीका। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के साथ ही पुलिस ने चालान का तरीका भी बदल दिया है। पुलिस अब पहले की तरह पीछा कर या रोक कर ऑन स्पॉट चालान करने की जगह ई चालान पर फोकस कर रही है। मतलब आप नियम तोड़कर बड़े मजे से जा रहे हैं तो संभल जाए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और भारी जुर्माने के साथ ई चालान आपके घर पहुंच जाएगा। ई चालान का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चालान, जो कैमरे की मदद से किया जाता है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस अपने मोबाइल कैमरे या बॉडी कैमरा या चौराहों पर लगे कैमरों की मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखती है। जो भी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं वह कैमरे में कैद होते हैं। ट्रैफिक पुलिस अपने ऑफिस या कंट्रोल रूम में बैठकर कंप्यूटर के जरिए उनका फोटो युक्त चालान काटती है। इसके बाद इस चालान को डाक के जरिए आपके घर भेज दिया जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में पुलिस ने अब वाहन स्वामी को ई चालान का SMS अलर्ट भी भेजना शुरू कर दिया है। अगर आप पुलिस के कैमरे या चौराहे पर लगे कैमरे से बच गए तो भी आपका ई चालान कट सकता है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले का क्लियर वीडियो बनाकर या फोटो खींच कर उसका चालान करा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को फोटो या वीडियो बनाकर तिथि, समय और स्थान के साथ उस क्षेत्र की पुलिस को जानकारी उपलब्ध करानी है। ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी पुलिस को उपलब्ध कराई जा सकती है। नोएडा, दिल्ली समेत कई जगहों की पुलिस को सोशल मीडिया से प्रतिदिन इस तरह की तस्वीरें और वीडियो प्राप्त हो रही है और पुलिस उनके आधार पर संबंधित वाहन चालक का ई चालान कर रही है।